ज़्यादा जो कस्टम रेवन्यू है वो अचीव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सर अगर हमें कॉन्फिडेंस दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सारे के सारे ऑफिसर जो है ये मेहनत से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम सर कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में लोग तो बहुत टैक्स हो रहे हैं, देखे सब जो है वो अपने ऑटोमेशन कर दें। सर वहाँ यूरोपियन टैक्स इंसान इसलिए देता है कि उसकी हर चीज रिकॉर्डेड है, जब रिकॉर्डेड है वो कहीं भी मिस करता है तो वो पकड़ा जाता है, वो बेसिकली उसका यकीन है टैक्स पेयर का यूरोपियन, उसका यकीन है कि मैं कहीं भी कुछ छुपाऊंगा तो मेरा पकड़ा जाएगा, ही इज अ गुड टैक्स पेयर। मेरे टैक्स पेयर को सर ये पता है कि नथिंग इज डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं है, मैं पकड़ा ही मैंने नहीं जाना। बेसिक ट्रेंड जो है सर टू सेव टैक्स, टू अवॉइड टैक्स बाय वन वे आर दी अदर, ये बेसिक साइकी योर ऑनर, ये दुनिया के तमाम टैक्स पेयर इतना थॉरली योर ऑनर इस पर काम किया जाए जिसमें सर टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस दिया जाए। ऐसा सिस्टम जो रहा है वो कि हमारा ऑफिसर कोई उसका बाजू मरोड़े, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, एट द सेम टाइम जो रहा है जो पावर लॉ में ऑर्डिनेंस में सर उसको रिवाइज कर ले, रिविजिट कर ले, लेकिन जो पावर दे सर उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि लोग टैक्स इसलिए क्यों दें जबकि वो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा सही जगह पे खर्च कर रही है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। इंग्लैंड के अंदर क्योंकि मैं काफ़ी टाइम वहाँ गुजारा हुआ है, वहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या नज़र आती है आपको, आपको जब आप जाएं किसी भी स्कैंडिनेविया में चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी गवर्नमेंट में होते हैं उनका सबसे बड़ा जो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि टैक्स पेयर का पैसा सही तरह खर्च करो। स्वीडन में एक एक उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी एक वजीर, उसने अपने जो ऑफिशियल कार्ड से 48 क्रोनास गलती से खर्च कर दिए जो कि ऑफिशियल थे, जो कि जिस पर टैक्स ब्रेक मिलती थी, उसने अपने प्राइवेट कार्ड, उनके दो कार्ड होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट का कार्ड खर्च करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे, एक प्राइवेट, उसने 48 क्रोनास के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी। पॉइंट ये है कि वहाँ क्योंकि टैक्स के पैसे की कदर की जाती है, टैक्स का पैसा अवाम पे खर्च किया जाता है, इसलिए लोग टैक्स देते हैं, इसलिए हमारा हमारे से 5 गुना ज़्यादा स्वीडन के अंदर या नॉर्वे में टैक्स जी डी पी रेशो है। हमारी गवर्नमेंट ने आते साथ ही जो हमने इस मुल्क में ऑस्टेरिटी कैंपेन की टैक्स का पैसा काटने के लिए पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने नहीं की, अपने से मैंने शुरू किया, मैं अपने घर में रहता हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहता, इस ऑफिस का 35% 30 करोड़ रुपया कम किया इस ऑफिस के एक्सपेंसेस का। प्राइम मिनिस्टर हाउस जो था उसमें तो मैं रहता ही नहीं हूं, लेकिन वो क्योंकि स्टाफ हैं उसका भी सारा, उसका तो बिल्कुल जीरो एक्सपेंडिचर है एक्सेप्ट कि वो जो लोग वहां रह रहे हैं जो जो है। अपने घर में मैंने वो बनाना था, एक उन्होंने सिक्योरिटी फेंस बनानी थी, हमने पैसे इकट्ठे करके किए, टैक्स का पैसा नहीं इस्तेमाल किया। नीचे सड़क ठीक करनी थी, जो मेरे घर के बाहर सड़क थी वो टूटी हुई थी, अपना मैंने पैसा लगा के सड़क ठीक की। पॉइंट यह है कि मैंने अपने से शुरू किया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपया हमने कट किया अपना फेडरल गवर्नमेंट का बजट, पहली दफा पाकिस्तान की फौज ने रियल टर्म्स पे अपने कट की अपनी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर पहली दफा, और सारे मिनिस्टर्स के ऊपर हमने लगा दिया कि कोई बाहर के दौरे नहीं करेगा जब तक बड़े एसेंशियल ना हो, यानी कि हमने पूरा एक ऑस्टेरिटी कैंपेन की और वो ऑन गोइंग है। ये सिर्फ लोगों को ये एहसास दिलवाने के लिए कि हम आपके टैक्स के पैसे की कदर करते हैं। हमने केपी गवर्नमेंट के ऊपर भी किया, वो भी उधर पंजाब गवर्नमेंट जो तहरीक इंसाफ के उधर भी पूरा जोर लगा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि जो इक्तदार में आता है वो अपना राइट समझता है कि टैक्स के पैसे को इस्तेमाल किया जाए। अभी ये जो गवर्नर हाउस है मरी का, ये पिछले दौर में
83 करोड़ रुपया खर्च किया गया उसकी सिर्फ रेनोवेशन पे, 83 करोड़ रुपीज। हमने ये फैसला किया, जितने भी ये गवर्नर हाउसेज हैं ये सारे पब्लिक के लिए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्ट हाउसेज हैं इनको पब्लिक के लिए पैसे अर्नर्स कर दिए सारा जो, और अगले साल सारे गवर्नर हाउसेज के जीरो कॉस्ट पे करेंगे ये, इनके अंदर हम फंक्शंस करवा के पैसे रेज करके ताकि आवाम को कॉस्ट ना हो। कहने की कोशिश ये है कि हम एक माइंडसेट भी चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि आवाम का पैसा आवाम के लिए। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जेन्युइन वरी है कि जब एक रूलिंग क्लास अपने ऊपर सारा टैक्स खर्च कर ले और बेचारे लोगों के लिए आवाम के लिए पैसा ना हो तो ये बात ठीक है, लेकिन ये दो, ये अब दोनों तरफ है, ये हमने भी शुरू किया हुआ है, लोगों को हाईलाइट करते जा रहे हैं। मैं अभी गया अमेरिका, मैं आपको जरा एग्जाम्पल दूँ कि हमने कॉस्ट कटिंग कैसे किया। मैं वॉशिंगटन गया, आइडेंटिकल टूर किया जब पीपल्स पार्टी पावर में थी और नून लीग पावर में थी। एक ने किया $8 लाख में, एक ने किया $7 लाख में, वही टूर मैंने किया $65,000 में। हम यूनाइटेड नेशंस की फंक्शन में गए तो एक ने पीपल्स आसिफ जरदारी ने किया तकरीबन $12 लाख में यूएन का टूर, नवाज शरीफ ने किया $11 लाख पे, खाकार अब्बासी ने $8 लाख पे, मैंने किया $1,60,000 पे। सो हमने ये क्यों किया, और कोई कंफर्टेबल टूर्स थे लेकिन पब्लिक का पैसा बचाया क्योंकि हमारे डॉलर्स की और कमी है। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है, हम अपने से शुरू कर चुके हैं हमने कॉस्ट कटिंग। हम ये चाहते हैं कि आप भी जब लोगों को बताएं तो वो पता चले कि ये अब सरकारी पैसा इस तरह नहीं खर्च होता जिस तरह पहले हो रहा था, और ये होता जाएगा। ये हम कॉस्ट लोगों का टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक्चुअली हाइलाइटिंग किया ये पिछली गवर्नमेंट तो इतनी सी करके इतने इश्तिहार आ जाते थे, हम इतना काम करके वो इतना सा भी इश्तिहार नहीं आता। ये भी वैसे कॉस्ट कटिंग में है, पिछली गवर्नमेंट में 50 अरब रुपया खर्च किया इश्तिहारों पर फेडरल और प्रोविंशियल ने 5 सालों में, और हमारा उसके मुकाबले में कॉस्ट कटने के बड़ा कम है। एसटीएफ कॉमर्स, ईएडी और इससे रिलेटेड जितने महकमे हैं ये सारे के सारे, इनको जब तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक्सपर्ट्स जिन्होंने 30 साल इस महकमे के अंदर काम किया उनके साथ मैच नहीं करेंगे तो उन लोगों की बजाय जिनकी सारी जिंदगी एक्सपेंडिचर साइड पे गुजरी है, यानी वो सिर्फ स्पेंड करते रहे हैं प्रोविंसेस के अंदर, एंड वन फाइन मॉर्निंग वो यहाँ के बैठ जाते हैं और फिर उनके अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज होते हैं, बिकॉज दीज आर द टू सर्विसेज, पाकिस्तान कस्टम सर्विस एंड इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जो कि पिछले 30-35 साल में बाई वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि वो फिस्कल पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हैं, टैक्स पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं। जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें जब वो नहीं होते तो उसके नतीजे में एक वैक्यूम पैदा होता है, और वो वैक्यूम ही बुनियादी तौर पर हमारा क्योस है, जो हमारा एक नेशनल क्योस है। उसकी वजह यह है कि इनफैक्ट जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था वो सारे के सारे तो वहां पर है नहीं। एक ही थीम सामने आ गई है, और वो थीम ये है कि जो भी हम आप पॉलिसी बनाएं उसमें आप जिनके इतना तजर्बा है, इतनी देर से आपकी फील्ड में एक्सपीरियंस है 30-30 साल से, तो ऑब्वियसली जो भी पॉलिसी बनेगी आपकी उस पर पूरी मुशावरत होगी और आपसे कंसल्ट किया जाएगा, और आपने जैसे आपसे बेहतर कौन जानता है ये कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, लोगों के लिए क्या मुश्किल आते हैं, क्यों लोग झिझकते हैं। आप जितना आप आसान कर देंगे टैक्स कलेक्शन उतना लोगों के लिए ईजी होगा टैक्स देना। तो इस पर तो ये तो एक्सेप्टेड कि आपसे जो भी अब हम करेंगे वो आपसे पूरी कंसल्ट करके करेंगे, और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि अभी से ही अपने जो भी आप समझते हैं कि इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑटोमेशन और कुछ बेहतर कर सकते हैं, अभी से प्लीज़ तैयार करें सजेशंस, ताकि जो जो शबर जो कमेटी जो फाइनली जो फैसले करेगी उसमें आप सारों के साथ मुशावरत के साथ वो पूरा किया जाए। लेकिन मैं सिर्फ एंड में ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए
ہر معاشرے کی ایک سٹیج آ جاتی ہے جو میں نے ورڈ یوز کیا تھا کراس روڈز، کہ وہ ایسا نہیں چل سکتا، یا اوپر چلا جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے. یہ پاکستان کا ایکچولی ایک ہسٹوریکل کراس روڈ ہے. اس وقت کراس روڈ اس لیے ہے کہ ایک ملک میں جو پروسیس شروع ہو گیا ریفارم کا، اس کی وجہ سے ہمارے بیسکس، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آپ کی وجہ سے، اور ہماری ہم نے جو خرچے کم کیے ہیں وہ نیرو ہو گیا. ہماری ڈائریکشن ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، امپورٹس کمپریس کر دیا ہم نے، لوگوں کو کانفیڈنس آ گیا مارکیٹ کے اندر، ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر جانی شروع ہو گئی ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے. یہ ایک مشکل وقت سے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اس میں کرٹیکل ہے آپ کی اس وقت پرفارمنس ملک میں سب سے زیادہ کرٹیکل ہے، کہ ایف بی آر سے ہمیں صحیح معنی میں اس وقت ان پٹ بھی ملے اور آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہو. کیونکہ اس وقت ہم نے اگر یہ ٹرن راؤنڈ کر دیا، جو سب سے بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا وہ ہے آپ کا اوورسیز پاکستانی. اس کے پاس تقریباً جتنا پاکستانیوں کے پاس جی ڈی پی ہے، وہ 90 لاکھ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جی ڈی پی تقریباً آدھا ہے سارے پاکستان کے جی ڈی پی سے. ان کے پاس ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں جو واپس لا سکتے ہیں. ان کو صرف ایک سسٹم ان کو ڈیٹر کرتا ہے، وہ آ کے یہاں انویسٹ نہیں کرتے، زیادہ زیادہ پلاٹ لے لیتے ہیں جو ڈیڈ کیپٹل ہے اس کے. ایسی ہماری زمین کی قیمتیں آرٹیفیشلی اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ اور کہیں نہیں انویسٹ کرتے، ڈرتے ہیں. یہ اس وقت ہمارا ریفارم پروسیس چلتا رہا. ایک تو اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا ایسٹ آج دیکھ رہا ہے پاکستان کی طرف. دوسرا یہ جو ہمارا چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے میں جو اب ہمارا اگلے سٹیج کے اوپر چلا گیا ہے، اکنامک کوآپریشن پہ، انڈسٹریل ریلوکیشن پہ، وہ جو اب ایگریکلچر میں ہماری پروڈکٹیوٹی اٹھانے کی کر رہے ہیں، یہ جو سٹیج ہے اب یہ ایک کرٹیکل سٹیج ہے جس میں انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح یہ اپنا ریفارم پروسیس چلا لیا، ایک ملک ہمارا انشاءاللہ اور لیول پہ پہنچ جائے گا. یہ اس لیے کوشش کر رہا تھا آپ سے پہلے بتانے کے لیے کہ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس وقت. آپ کی سجیشنز، آپ کی ان پٹ اور آپ کی پرفارمنس، یہ کرٹیکل ہے اس وقت پاکستان کے لیے. اس لیے میں نے آج آپ سب کو دعوت دی تھی. تو ابھی جو بھی آپ کی سجیشنز، ابھی آپ سے مشاورت ہوگی، جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک کیا ہم نے سوچا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کیا بہتر طریقہ ہے ایشو پاکستان کے، ہم نے کیسے ملک میں اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے ملک کو چلانے کے لیے. تھینک یو جی. وزیراعظم پاکستان کا ایف بی آر کے افسران سے خطاب، جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو پیاس پیسہ ہے مگر ٹیکس نظام میں شامل نہیں کر پائے. ٹیکس جمع کرنا مقدس فریضہ ہے. 80 کی دہائی تک پاکستان خوشحال ملک تھا. ٹیکس کا پیسہ عوام پر خرچ کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں. ان کا کہنا تھا کہ 45 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے کم کیے اپنے اخراجات میں.